तो गाइस यूं तो आप एटीएम से पैसे निकालते हुए बहुत बार देखे होंगे, पर गाइस आपने कभी देखा है कि एटीएम की स्क्रीन पे वीडियो प्ले होते हुए, मतलब आप अपना वीडियो को एटीएम की स्क्रीन पर प्ले कर सकते हो? बिलीव नहीं हो रहा मेरा बात, तो यार पहले आप इस वाले वीडियो को देख लो। नो 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 तो यार देख लिए वीडियो। अगर दोस्तों आपको भी अगर कुछ इस तरह का दोस्तों वीडियो बनाना सीखना है जहाँ पर गाइस एटीएम के अंदर आपका वीडियो प्ले हो रहा है, तो यार मेरे इस वीडियो को आपको थोड़ा सा ध्यान देकर देखना होगा, क्योंकि गाइस इस तरह का वीडियो बनाना बहुत ही आसान है। आपका जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है काइन मास्टर, आप उसी के हेल्प से कुछ इस तरह का वीडियो आप बना सकते हो। तो गाइस वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग के साथ मजेदार होने वाली है, तो वीडियो को आपने अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो दबा के एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि यार आपके एक लाइक की वजह से आपके भाई में वीडियो बनाने का एनर्जी भर भर के आता है। और दोस्तों हो सके तो अपने फ्रेंड्स को भी थोड़ा सा वीडियो शेयर कर दे, क्या यार अकेले वीडियो बनाओगे, अपने फ्रेंड्स को भी थोड़ा सा शेयर कर दो, ताकि यार वो भी कुछ इस तरह का वीडियो बना के अपने सोशल मीडिया पे वायरल हो सके। तो गाइस आप अगर मुझे नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है विद्युत और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके और हमारे यूट्यूब चैनल JSR करुणा में। गाइस अगर आप मुझे बकते हुए पहली बार सुन रहे हो तो आपको इस वाले वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके आप वहाँ पे ऑल सिलेक्ट कर ले, ताकि यार मैं कुछ भी इस तरह का VFX वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत से मिलेगा। अब दोस्तों हो गया मेरा फोकट का बहुत भाषण, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इस तरह का वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या है। आपको दोस्तों करना बस इतना ही है, आपको यहाँ पर एक वीडियो को शूट कर लेनी होगी, चाहे वो अपना वीडियो किसी भी प्रकार का हो उसको आप वीडियो शूट कर लीजिएगा। शूट कर लेने के बाद आपका जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है काइन मास्टर, उसको आपको ओपन करना है। तो गाइस चलिए अपने काइन मास्टर को आप ओपन कीजिए, मैं जाकर आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हो मैं अपने स्मार्टफोन के काइन मास्टर को ओपन करके रखा हूँ। अब दोस्तों आपको जो प्लस का मार्क दिख रहा होगा आपको इसमें क्लिक करना होगा, और यहाँ पर दोस्तों आपको 9:16 एस्पेक्ट रेशियो में सिलेक्शन करके आपका जो काइन मास्टर एप्लीकेशन है आपको यहाँ पर ओपन कर लेनी है। तो गाइस यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो मेरा काइन मास्टर एप्लीकेशन यहाँ पर सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। अब दोस्तों आपको जो राइट साइड में ये मीडिया का ऑप्शन दिख रहा होगा देख पा रहे हो, आपको दोस्तों इस वाले मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना होगा, और यहाँ से गाइस आप एक व्हाइट कलर के बैकग्राउंड का आप सिलेक्शन कर लीजिएगा। तो गाइस यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो व्हाइट कलर का बैकग्राउंड है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब दोस्तों आपको इस वाले बैकग्राउंड को ड्यूरेशन का कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे अंदाजा में आपको बढ़ा लेना है, बाद में गाइस आपको इसको घटाना भी पड़ सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको अंदाजे में आप बढ़ाइएगा। इसके बाद दोस्तों आपको अपने वीडियो में कुछ इस प्रकार से फर्स्ट तरफ आपको आना होगा। आने के बाद गाइस आप इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, जहाँ पर गाइस मैंने ATM का जो ग्रीन स्क्रीन वाला वीडियो है उसको दे के रखा है। आपको दोस्तों उस वाले वीडियो को डाउनलोड कर लेना होगा। डाउनलोड करके दोस्तों आपको जो ये लेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको दोस्तों इस वाले लेयर में क्लिक करना है, और गाइस जो को फर्स्ट ऑप्शन आपको मीडिया का दिख रहा होगा आपको दोस्तों इस वाले मीडिया के ऑप्शन पे क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना होगा, और यहाँ से गाइस आप ग्रीन स्क्रीन वाले वीडियो को सिलेक्शन कर लीजिएगा। तो गाइस यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो ATM का ग्रीन स्क्रीन वाला वीडियो है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब दोस्तों आपको इस वाले बॉक्स में क्लिक करके इस वाले ऑप्शन पर सिलेक्शन करके फुल स्क्रीन में करना होगा। देख पा रहे हो गाइस यहाँ पे मैंने कहा था आपको पहले कि मैंने यहाँ पे जोश में ज़्यादा ही बैकग्राउंड को बड़ा कर दिया है, तो फ्रेंड्स क्या करता हूँ इसको अपने वीडियो के बराबर में कुछ इस प्रकार से कर लेता हूँ। कर लेने के बाद गाइस आपको जो ATM मशीन के अंदर आपको जो ग्रीन स्क्रीन दिख रहा होगा देख पा रहे हो इसको फ्रेंड्स आपको रिमूव करना होगा। उसके लिए गाइस आप उस वाले फाइल में क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप इसमें क्लिक करते हैं राइट साइड में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक कोरमाकी का ऑप्शन दिखेगा। आपको दोस्तों इस वाले कोरमाकी में क्लिक करके आपको गाइस यहाँ पर जो की कलर सिलेक्शन करना है वो गाइस पहले आप इस जगह पे सिलेक्शन कीजिएगा, उसके बाद सिर्फ ग्रीन कलर को बढ़ा दीजिएगा, और आपको यहाँ से ओके करके आपको इसको इनेबल कर देना है। जैसे गाइस आप यहाँ पे इनेबल करेंगे जो आपको पीछे का बैकग्राउंड है यहाँ पर आपको दिखने लगेगा। देख पा रहे गाइस यहाँ पर व्हाइट कलर जो बैकग्राउंड यहाँ पर मेरा दिख रहा है। अब दोस्तों आपको अपने वीडियो में कुछ इस तरह से गाइस आपको इस जगह पर आपको आना होगा। आने के बाद गाइस आप इसी वाले लेयर में आप क्लिक कीजिएगा, और गाइस मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करके अभी दोस्तों आपको उस वाले वीडियो को सिलेक्शन करना होगा जिस वाले वीडियो को दोस्तों आप यहां पर रिकॉर्डिंग किए हो। तो गाइस यहां पर आप देख पा रहे हो मैं आपको दिखाने के लिए यहां पर कुछ भी एक वीडियो को सिलेक्शन कर लिया हूं। अब दोस्तों आपको अपना वीडियो को कुछ इस प्रकार से हल्का सा आपको यहाँ पर क्रॉप कर लेनी होगी। कुछ इस तरह से क्रॉप कर लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से ओके करनी होगी। ओके कर लेने के बाद दोस्तों आपको जो ये वीडियो इसका भी ऑडियो को कुछ इस तरह से म्यूट कर लीजिएगा। म्यूट कर लेने के बाद दोस्तों आपको जो 3 डॉट दिख रहा होगा देख पा रहे हो इस बारे 3 डॉट में क्लिक करके आप यहाँ पे सेंड टू बैक ऑप्शन में आप क्लिक कर दीजिएगा। ऐसा करते हैं दोस्तों आपका जो वीडियो है इस वाले वीडियो के पीछे चला जाएगा। अब दोस्तों आप अपना वीडियो को थोड़ा स्लाइड कीजिएगा और कुछ इस प्रकार से छोटा कीजिएगा दोस्तों, जिस तरह से
छोटा कर लेने के बाद ये जो एटीएम मशीन है इसके ऊपर कुछ इस तरह से हल्का सा आपको चढ़ा करके आपको एडजस्ट कर देनी है। देख पा रहे जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ सेम टू सेम कुछ इस तरह से आपको एडजस्ट कर देनी है। लीजिए गाइस आपका जो एटीएम फनी वीडियो आपको यहाँ पर तैयार हो चुका है। अब अगर गाइस अपना वीडियो को प्ले करके आप देखोगे तो आपका वीडियो अभी कुछ इस प्रकार से दिखेगा, देख पा रहे हो। तो गाइस इस तरह से आप बहुत ही आसान और इजी स्टेप को फॉलो करके आप कुछ इस तरह का वीडियो बना सकते हो। अब आपको ऊपर में शेयर का ऑप्शन दिख ही रहा होगा, इस वाले शेयर में क्लिक करके आपको अपना फाइल को यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेनी है। तो यार उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर दोस्तों वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो का लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे अगर आप नए हो तो आपको इस वाले वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख ही रहा होगा। अब दोस्तों बिना किसी देरी के बाय बाय।